स्पार्क गैप। तो स्पार्क गैप हम क्यों यूज करते हैं हाई वोल्टेज के अंदर, क्योंकि वहां पे स्पार्क गैप के केस में लॉसेज हमारे पास कम होते हैं। जब यहाँ पे प्लाज्मा क्रिएट होता है, जब एयर आयोनाइज हो जाती है कोई और गैस जो स्पार्क गैप के दरमियान है, वो जब आयोनाइज हो जाती है तो हमारे रेजिस्टेंस जो है बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे डिसिपेशन लॉसेज बहुत कम होते हैं। इसीलिए हम जो है स्पार्क गैप एज अ स्विच यूज करते हैं स्पार्किंग और लॉसेस से बचने के लिए। तो ये बहुत स्मूथ और बहुत फिजिबल तरीका है स्विचिंग करने का हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग के अंदर। तो सबसे पहले स्पार्क गैप की डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्पार्क की डेफिनेशन ये है कि ये दो कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स पे मुश्तमिल होता है। दो कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स हैं और उनके दरमियान जो कोई भी उनके दरमियान कुछ ना कोई गैप होता है, और उस गैप के अंदर क्या होता है, एयर होती है। तो हम दो इलेक्ट्रोड्स को जब एयर या कोई और गैस के अंदर, ठीक है, कोई और एयर या कोई और इंसुलेटिंग गैस के अंदर उस स्पार्क करवाते हैं। स्पार्क कैसे करवाते हैं, ठीक है, वो हम आगे अगली नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नॉर्मली ये जो स्पार्क गैप आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन ये मैनुअल है। ये मैनुअल आप एडजस्ट कर सकते हैं डिस्टेंस, स्पार्क गैप का डिस्टेंस कितना है, फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर है, 4 है, 3 है या 10 सेंटीमीटर है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं जहां पे आप अपनी स्विचिंग करवाना चाह रहे हैं। तो डिस्टेंस का क्या रिलेशन है वोल्टेज के साथ, ये भी हम अपनी लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो सर्किट के अंदर जब आप डिनोट करते हैं स्पार्क गैप को, तो वो आप सिंपल इस शेप में डिनोट करते हैं। ये ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा होगा, ये सर्किट के अंदर आप इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्पार्क गैप है, तो उसके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर अगर मैं हाई वोल्टेज जब अप्लाई करूं तो और वो वोल्टेज इंक्रीज करता जाऊं, तो इसके इलेक्ट्रोड्स के दरमियान कोई ना कोई गैस है। चले अभी हम एयर कंसिडर करते हैं कि इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान क्या है, एयर है। तो जब ये वोल्टेज इंक्रीज करती जाएगी जब वोल्टेज इंक्रीज होती जाएगी, तो एक टाइम आएगा कि आपकी जो इंसुलेशन मटेरियल है वो फेल हो जाएगा और वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा, या आप कह सकते हैं वहां डिस्चार्ज हो जाएगा, वहां जो है ब्रेकडाउन हो जाएगा कि आपकी एयर ब्रेकडाउन हो गई है, एयर आयोनाइज हो गई है, क्योंकि वोल्टेज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एयर आयोनाइज हो गई है और एयर से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो उस कंडीशन में एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम ये भी कहते हैं कि स्फीयर गैप यहाँ पे फायर हो गया है, ठीक है। इसको ऐसे भी हम इंजीनियरिंग के अंदर हम कहते हैं कि यहाँ पे स्फीयर गैप या स्पार्क गैप जो है आपका वो फायर हो गया। तो अब ये स्पार्क गैप जो स्विच एज अ स्विच कैसे बिहेव करता है उसको हम देखते हैं। नॉर्मली जब आप एज अ स्विच यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो वो आप कैसे करते हैं, कोई भी वोल्टेज जो है, आप कैपेसिटर को फॉर एग्जांपल आप चार्ज करना चाहते हैं तो आप स्विच ऑन कर देते हैं, कैपेसिटर चार्ज होता है, और जब स्विच आप ऑफ करते हैं तो कैपेसिटर किसी ना किसी लोड के थ्रू डिस्चार्ज होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडक्टर है, ये एक डैम्पिंग सर्किट है, कैपेसिटर इंडक्टर को एनर्जी देगा, इंडक्टर कैपेसिटर को देगा, इस तरह हमारे पास वेव एक अपनी रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी की वोल्टेज जनरेट होती है जो हमें रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी है। तो ठीक है, अभी कैपेसिटर के आगे एक रेजिस्टर भी लगा दें, जो मर्जी लगा दें, जैसा आपका डिजाइन है सर्किट का। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं स्विच को, हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले कि ये सर्किट कैसे बिहेव करते हैं, हम सिर्फ स्विच को डिस्कस करेंगे कि ये स्विच जो है हाई वोल्टेज के अंदर स्पार्क गैप कैसे एज अ स्विच बिहेव करेगा। अभी देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कह दें, आप वहां पे आप स्विच कैसे बिहेव करते हैं, आप उसको ऑन करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ ना कुछ टाइम के बाद हम ऑन करवाते हैं, आप स्विच ऐसे डिजाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल टी इज इक्वल टू जो है वो 10 मिलीसेकंड्स पे ये ऑन हो जाए और 20 मिलीसेकंड्स पे ये ऑफ हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है कैपेसिटर को अपनी रिक्वायर्ड वोल्टेज पे चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ स्पार्क गैप भी बिल्कुल एज अ स्विच बिहेव कर रहा है। तो स्पार्क गैप कैसे स्विच बिहेव करेगा, अभी आपको ये सर्किट नजर आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल स्पार्क गैप में मैं करता हूँ हाई वोल्टेज अप्लाई करता हूँ और ये वोल्टेज में इंक्रीज करता जाता हूँ, तो एक टाइम आएगा कि यहाँ से करंट एयर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब एयर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो ये एरिया जो होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और फिर आपका कैपेसिटर जो है वो एज अ बिहेव करेगा वोल्टेज सोर्स। तो ये
स्पार्क गैप में क्या हो रहा है कि जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं साथ साथ आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो एक जब वैल्यू आएगी, जब यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो जब यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो ये वोल्टेज डिस्कनेक्ट हो जाएगी, वोल्टेज सोर्स डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर आपका कैपेसिटर चार्ज होना बंद हो जाएगा और वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा किसी भी लोड के क्रॉस। यहाँ पे मैंने इंडक्टर चूज किया, यहाँ पे रेजिस्टर भी हो सकता है, जैसे आपको रिक्वायर्ड है, जैसे आपका सर्किट का डिजाइन है। यहाँ पे हम सिर्फ स्विच की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा जब मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता जाऊंगा, तो एयर जब ब्रेकडाउन होगी तो वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ये वाला हाई वोल्टेज जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपके सर्किट के अंदर कैपेसिटर और जो लोड आपने कनेक्ट किया हुआ है या कोई भी सर्किट है इसकी जगह जो आपने कनेक्ट किया हुआ है वो ही रह जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स रिमूव हो जाएगा। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है हाई वोल्टेज के अंदर, के हाई वोल्टेज के अंदर जब आपको स्पार्क गैप आप एज अ स्विच जब ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो उसको कैसे ऑपरेट करता है वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर लिया है। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि मैं जो है स्पार्क गैप की सेटिंग्स, अपनी सेटिंग्स कितनी रख के मैं अपनी रिक्वायर्ड वोल्टेज हासिल करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अभी मैंने डिस्कस किया, अभी मैंने सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस किया, अभी ये मैंने बताया कि मैं अगर सिर्फ अपने कैपेसिटर को 100 किलो वोल्ट या 120 किलो वोल्ट या सिर्फ 60 किलो वोल्ट तक कैसे चार्ज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेम कैपेसिटर है, पहली दफा मैं इसको चार्ज करता हूँ 60 किलो वोल्ट तक, जब ये डिस्चार्ज होता है मैं कहता हूँ इस दफा मैं इसको चार्ज करूंगा 100 किलो वोल्ट तक, फिर अगली दफा मैं कहता हूँ इसको मैं चार्ज करूंगा 150 किलो वोल्ट तक, वो कैसे करूंगा अभी इस एग्जाम्पल में देखते हैं। आपको पता है एयर ब्रेकडाउन जो रूम कंडीशंस के अंदर टेम्परेचर, रूम कंडीशंस ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर में एयर की ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्फेयर गैप के अंदर एक सेंटीमीटर का फासला रखा है तो स्फेयर गैप क्या होगा 30 किलो वोल्ट पे फायर हो जाएगा। तो क्या होगा, तो अगर मैंने स्फेयर गैप के बिटवीन फासला जो डिस्टेंस है वो अगर मैंने जो गैप है उसको अगर मैंने 1 सेंटीमीटर रखा है और मैंने वोल्टेज अप्लाई इंक्रीज करता जा रहा हूँ, जो ही 30 के वी होगा या तो 30 के वी तक ये कैपेसिटर भी चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये जो वोल्टेज है ये कैपेसिटर के क्रॉस आ जाएगी और ये सर्किट, ये जो ये वाला लूप है सर्किट के अंदर ये भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 के वी आ जाएगी। तो जो जो मैं डिस्टेंस इंक्रीज करता जाऊंगा तो मैं कैपेसिटर के क्रॉस ज्यादा वोल्टेज भी रखना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैपेसिटर के क्रॉस 120 वोल्ट रखना चाहता हूँ, 120 किलो वोल्ट तक उसे चार्ज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सिंपल डिस्टेंस को जो है वो इंक्रीज कर दूंगा 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 120। डिस्टेंस को स्फीयर गैप के अंदर डिस्टेंस को इंक्रीज करके मैंने 4 सेंटीमीटर कर दिया। तो 4 सेंटीमीटर के बाद क्या होगा, जहां पे मैं वोल्टेज अप्लाई करता जाऊंगा, फॉर एग्जांपल 100 केवी अप्लाई हुई है, मैंने इंक्रीज की वोल्टेज 110 115 119, तो उसके वोल्टेज इंक्रीज करते हुए कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, जो ही वोल्टेज 120 पहुंचेगी तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा, लेकिन स्पार्क प्रोड्यूस होने के साथ उस साथ ही इस पे जो वोल्टेज जो ऑलरेडी हम चार्ज कर चुके हैं इसको कैपेसिटर को 120 किलो वोल्ट तक, अगर कोई लॉसेस नहीं है सर्किट के अंदर, आइडियल केस कंसीडर कर रहा हूँ, नॉर्मली 120 नहीं होगी, हो सकता है 115 किलो वोल्ट हो, तो 120 किलो वोल्ट तक मैंने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया। जब 120 किलो वोल्ट तक ये चार्ज हो गया तो हमारा ये वाला सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपका वोल्टेज सोर्स इस साइड से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, आपका वोल्टेज सोर्स जो बिहेव करेगा वो कैपेसिटर आपका वोल्टेज सोर्स बिहेव करेगा। तो ऐसे आप स्विचिंग करवा सकते हैं, ऐसे आप अपनी स्पार्क गैप की सेटिंग्स कर सकते हैं अपनी, और अपनी रिक्वायर्ड वोल्टेज पे कैपेसिटर को चार्ज करवा सकते हैं और उस कैपेसिटर को किसी भी रजिस्टर के क्रॉस आप डिस्चार्ज करवा सकते हैं, अगर आपको हाई वोल्टेज चाहिए या फिर उस किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल के क्रॉस अगर आप उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं या कोई और टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो ये आप इस तरह करवा सकते हैं स्पार्क गैप के थ्रू। तो स्पार्क गैप काफी ज्यादा सर्किट्स के अंदर, मार्क सर्किट के अंदर यूज होता है, काफी ज्यादा सर्किट्स के अंदर स्पार्क गैप एज अ स्विच यूज होता है, इसीलिए ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कोई